go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026 or 2027. जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से पौने चार सालों को ज़ाया किया। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन कौम के जो हकायक हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, ना मेरे ये खमीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्पीड, शहबाज शरीफ इन एक्शन। वज़ीर आज़म सुबह सवेरे दियामिर भाषा डैम की साइट पर जा पहुँचे। दियामिर भाषा डैम को 2029 की बजाय 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दियामिर भाषा डैम की तामीर तवानाई के शोबे में इंतहाई अहम संगे मील साबित होगी। हमें तवानाई के बड़े मंसूबों बारे फौरी सोचना होगा। मुल्क की सूरत हाल देख कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कौम को हकायक बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पास वसाइल की कमी है, आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म का दियामिर भाषा डैम के करीब बड़ा अस्पताल और आमदोरफ्त में सहूलत के लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का भी ऐलान। हंगू में कौमी असम्बली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। हल्का एन ए 33 के 3,14,000 से ज़ायद वोटर्स के लिए 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम, वोटिंग जारी। PTI, JUI और ANP समेत 5 उम्मीदवारों में मुकाबला। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बग़ैर वक्फे के जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंगू की नशस्त PTI के ख्याल जमान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। क्वेटा में लगे रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। बादशाह खान चौक पर लगाए गए सस्ते बाजार में अक्सर स्टॉल खाली। आम बाजार में मुर्गी का गोश्त 380 रुपए किलो दस्तयाब। सस्ते बाजार में भी यही रेट, सब्जी के स्टॉल पर सिर्फ बैंगन और कद्दू दस्तयाब। शहरी सस्ते बाजार से मायूस हो गए। बहुत बड़ी बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। फंड फंडिंग केस हमें सियासी ग्राउंड से बाहर करने की साजिश है। रात 12 बजे अदालतें खोलने का मामला ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। इमरान खान का कराची जलसे से खिताब, कहा मीर जाफर को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म पर करप्शन के 40 अरब रुपए के केसेस हैं। अदालत को ज़मीन फरोशों की मंडी का भी नोटिस लेना चाहिए था। मुल्क के खिलाफ बैन अक्वामी सतह पर बहुत बड़ी साजिश हुई। दोस्ती सबसे चाहते हैं, गुलामी किसी की कबूल नहीं। हम किसी मुल्क खिलाफ नहीं, हमारे मुनहरिफ लोग भी अमरीकी सिफारतकार से मिले। डोनाल्ड डू को पता था अदम एतमाद आने वाली है, उसी ने हमारे सफीर को धमकी दी। पंजाब असम्बली में वोटिंग से पहले मुक्के चल पड़े, अराकीन पहलवान बन गए। एक दूसरे पर हमले, हाथापाई, मार कुटाई। 6 घंटे की मार धाड़ के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इजलास शुरू होते ही डेप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी का ऐवान में दाखिला चैलेंज बन गया। हुकूमती अराकीन का दोस्त मिजारी पर हमला, लोटे मारे, बाल खींचे और थप्पड़ मारे। PTI की खवातीन अराकीन स्पीकर डाइस पर काबिज रहीं। बदनज़मी बढ़ी तो पुलिस अहलकारों को ऐवान में बुलाना पड़ा। ऐवान 6 घंटे तक मैदाने जंग बना रहा। अरकान को कंट्रोल करने के लिए पंजाब असम्बली में पुलिस का ऑपरेशन, 11 अराकीन गिरफ्तार। हुकूमती अराकीन ने आसमान सर पर उठाया तो डेप्टी स्पीकर ने पुलिस को मंगवा लिया। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखे, सर्जेंट एट आर्म्स के इख्तियारात मिलने पर एंटी राइट फोर्स का एक्शन। PTI मेंबरान की मुजाहमत, लड़ाई झगड़ा और मारकुटाई की। पुलिस के साथ हाथापाई, मुक्कों की बारिश, लोटे मारे, कपड़े तक फाड़ दिए। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी पर भी हमला, खींचातानी में 2 अराकीन जख्मी। पुलिस अहलकार ने खवातीन MPS को भी धक्के मार के स्पीकर डाइस से हटा दिया।
साथ ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है? ये शरीफों की ये जमहूरियत है? देखा है ये देखे, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा, और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला आवर हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ। चौधरी परवेज़ लाही पर हमला, शदीद ज़ख्मी हो गए। परवेज़ लाही बाहर जाते वक्त हंगामा आरई के नरगे में आ गए, धक्कम पेल और मारपीट में ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू अहलकार ने फौरी तिब्बी इमदाद दी, ऑक्सीजन मास्क दिया, बाजू पर पट्टी की। परवेज़ लाही ने इल्ज़ाम लगाया सारे मामले में आईजी पंजाब शामिल हैं। नून लीग ने गवाल मंडी के गुंडे बुलवाए, हमजा और उनके गुंडों ने अराकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने फ़ोन पर ऑर्डर दिए, राना मशहूद ने मुझ पर हमला किया। परवेज़ लाही की तबीयत का सुनकर मोनिस लाही भी फौरी पंजाब असम्बली पहुँचे। परवेज़ लाही के साथ नारवा सलूक पर शदीद बरहम, उस्मान बुज़दार भी स्पीकर चैम्बर में परवेज़ लाही की इयादत करने पहुँचे। परवेज़ लाही की जानिब से किला गुदर सिंह थाने में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त, कहा हमजा शहबाज शरीफ के हुक्म पर पुलिस ने डंडे मारे, राना मशहूद ने वार करके मेरा बाजू तोड़ दिया। पुलिस ने परवेज़ लाही का मेडिकल करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। उधर डिप्टी स्पीकर पर हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमजा शहबाज पंजाब के 21वें वज़ीर-ए-आला मुंतखब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने 197 वोट हासिल किए। बायकॉट के बायस परवेज़ लाही को कोई वोट ना पड़ा। पीटीआई और मुस्लिम काफ के अराकीन का हंगामा आरई के बाद वॉकआउट, वोटिंग के अमल में हिस्सा ना लिया। इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने कहा कि आज जमहूरियत की कामयाबी हुई, हमजा शहबाज आज रात 8 बजे हल्फ उठाएँगे। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर जदोकोब किया गया, और मैं समझता हूं कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दस पर हमला है। जमहूरियत के दुश्मन चेहरे बेनकाब हो गए, अब मजाक खत्म और जमहूरियत मजबूत होगी। हमजा शहबाज का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में खिताब, कहा स्पीकर पर हमला ऐवान के तकद्दस पर हमला है, जमहूरी और आइनी रवायात को पामाल किया गया। तारीख कभी किसी को मुआफ़ नहीं करती। इमरान खान ने आवाम से झूठ पर झूठ बोला, गंदम पैदा करने वाले सूबे में ऐसा बहरान पैदा किया गया कि आवाम को आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ा। इमरान खान जिस माफिया का जिक्र करते थे वो कौन है? बिजली, गैस और अद्वियात महंगी की गई, सबसे ज़्यादा गलीज गालियाँ देने वालों को ये शाबाश देते हैं, हर किसी को गद्दार कहा जाता है, जलसों में दोस्त ममालिक को ललकारा जाता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जमहूरियत की फतह हुई है। खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए, ये है वो फसताई हुकूमत, ये वो फसताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। फाशिस्ट हुकूमत को घर भेजने का मरहला आसान नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमजा को वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद, अनथक मेहनत से पंजाब के अवाम की खिदमत करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म की। पंजाब असम्बली में हंगामा आरई की भी मजम्मत, कहा डिप्टी स्पीकर पर हमला अफसोसनाक है। कौमी असम्बली में दोस्त मोहम्मद मिजारी पर हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी मंजूर। मरियम नवाज ने भी हमजा को वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद दी, कहा पंजाब के लोगों का छीना हुआ मैंडेट वापस लौटा दिया गया, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब असम्बली में होने वाली गुंडागर्दी का नोटिस लें, मुस्लिम लीग नून की अपील। अताउल्लाह ताड़ ने इल्ज़ाम लगाया सारी हंगामा आरई परवेज़ लाही के कहने पर हुई, वो एक दो बंदे कत्ल कराना चाहते थे। परवेज़ लाही सियासत को दुश्मनी में ना बदलें, परवेज़ लाही विकटें उखाड़ कर स्टेडियम को आग लगाना चाहते हैं। सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
कि कौमी असेंबली के स्पीकर की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। कासिम सूरी डेप्टी स्पीकर के अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। नौ मंतखब स्पीकर राजा परवेज अशरफ का तहरीक इंसाफ के रकीन के इस्तीफ़े डी सील करके पेश करने का हुक्म। मौलाना असद महमूद ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है एक शख्स पूरी पार्टी के इस्तीफ़े कबूल कर ले। स्पीकर साहब पी टी आई वालों को बुलाकर इस्तीफ़ों का पूछें। अयास सादिक ने मुतालबा किया कि इस्तीफ़ा अरकान की अपनी लिखाई में नहीं बुलाकर पूछा जाए, तमाम अरकान को फर्दन फर्दन तस्दीक के लिए बुलाना चाहिए था। वो इदारे जो मुतनाज़े रहे अब आईनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चंद रोज़ पहले इस ऐवान की तौहीन की गई, किस तरीके से आईन पाकिस्तान से खेला गया। हम तब तक पाकिस्तानी नहीं कहला सकते जब तक आईन का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। अगर इदारे अपना अपना काम करें तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म साहब, तमाम जमातें आपकी तरफ देख रही हैं। बिलावल भुट्टो ने बल्कीस ईदी की याद में ताज़ियती करारदाद पेश की जो मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक बल्कीस ईदी को कौमी एजाज से नवाजा जाए। रोजेदारों के लिए अच्छी खबर, पीर से बुध तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, तेज़ हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा, 20 अप्रैल तक मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भाषा डैम के वर्कर से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको ज़िंदगी दे, इस पाकिस्तान को आपने बनाना है। आप अजीम मेहमान हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि दयामिर भाषा डैम में पाकिस्तानी और चीनी वर्कर से खिताब कर रहे थे, और इससे पहले वज़ीर आज़म ने उनसे ब्रीफिंग भी ली और चेयरमैन वाबडा ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दयामिर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। उन्होंने दौरे के दौरान डैम के जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मंसूबा मुकम्मल होने से 4800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दयामिर भाषा डैम का दौरा। वज़ीर आज़म ने डैम 2029 की बजाय 2026 में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इस मंसूबे को हम अगर अब बड़ी यानी पूरी इज्तमाही कुव्वत और इज्तमाही बसीरत के साथ आगे लेकर चल चुके हैं तो एक बहुत बहुत एक शाहकार होगा, पाकिस्तान की तारीख में एक माइलस्टोन होगा। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हुकूमत पर भी तनकीद की। मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ